हेलो गाइस, वेलकम टू मरला यूट्यूब चैनल। मैं शिवम तिवारी, मेरे साथ हैं कार्तिक गुप्ता। जैसे कि पिछले कई वीडियोस में आपने कई सारी क्वेरीज रखी कमेंट बॉक्स में कि निमसेट या फिर किसी भी एमसीए का बड़े एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी सही रहेगी, कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो मैक्सिमम सारे टॉपिक्स कवर करती हैं, तो उसी को लेकर आज हम आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एमसीए के लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो मैथ्स का होता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एप्टीट्यूड या रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर एंड देन इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मैटर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैथ्स, जो कि सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करती है किसी भी एमसीए एग्ज़ाम के लिए। तो मैथ्स में अगर हम बुक्स की बात करें तो मैथ्स के लिए बेसिकली आपको अगर आरडी शर्मा जो एमसीक्यू की होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेई, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसा कि कार्तिक ने बताया कि आरडी शर्मा आईआईटी जेई लेवल की एमसीक्यू बहुत अच्छी बुक है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, पर कुछ लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि उनको सेल्फ स्कोरर की तरफ भी बढ़ना चाहिए, वो आईआईटी के थोड़ा एडवांस लेवल की है, तो क्या उनको प्रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आइए बात करते हैं। तो अगर हम आरडी शर्मा की बात करते हैं तो आरडी शर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके टाइम टू टाइम रिवाइज्ड एडिशन आते रहते हैं। तो अगर आप आरडी शर्मा में देखेंगे तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे या एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको मिस्टेक्स कम मिलेंगी। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के एमसीए एंट्रेंस के क्वेश्चंस को उठा के देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा के एग्जांपल्स या उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड मिलेंगे। अगर हम सेल्फ स्कोरर की बात करें तो सेल्फ स्कोरर भी इनिशियल लेवल के लिए अच्छी बुक है, उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होता है। तो लेकिन सेल्फ स्कोरर में आपको किसी किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स मिल सकती हैं, इसलिए हम लोग आर डी शर्मा को सजेस्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स के बाद में जो अगला टॉपिक बड़ा मेन टॉपिक है वो रीजनिंग का, रीजनिंग या फिर कह लें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। रीजनिंग का जो मेन टॉपिक्स हैं हमारी पज़ल, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब मैक्सिमम कवर होती हैं बी एस सिजवाली में। ये बुक का नाम है बी एस सिजवाली, बहुत अच्छी बुक है। इसकी मास्टर एक्सरसाइज वगैरह, इसके एग्जांपल्स, आपको सब कुछ अप टू डेट पैटर्न में जो आपके एग्ज़ाम में इस टाइम चल रहा है आपको सब उसे मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक बुक आती है आर एस अग्रवाल, उसको उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हैं, वो उनसे आप अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी बेहतर बना सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कंप्यूटर की, जो कि एक बड़ा सेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी डाउट होते हैं कि कौन सी बुक को प्रेफर करें जिससे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्यूटर का सिलेबस देख सकते हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स होते हैं या गेट्स से रिलेटेड या के मैप, तो आपको इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो देखा गया है कि पी के सिन्हा एक अच्छी बुक है जिसमें आपको मैक्सिमम पोर्शंस कंप्यूटर का मिल जाएगा जो सिलेबस से रिलेटेड होगा। तो मुझे लगता है कि आप पी के सिन्हा प्रेफर कर सकते हैं। सो एट लास्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो जैसे कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि इंग्लिश का पोर्शन आपको कम ही मिलता है, कुछ एग्ज़ाम्स में इंग्लिश नहीं आती बहुत ज़्यादा, बट अगर आप निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश के लिए ऐसी कोई, क्योंकि इंग्लिश एक वाइड एरिया कवर करती है तो किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं बताया जा सकता। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट होता है इंग्लिश में तो आप बेसिकली आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें, उसकी जो भी वोकेबलरी है या कम्प्रीहेंशन है या जो भी पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं तो आप उन्हीं को सॉल्व करें, और नए पैराग्राफ अगर आपको किसी भी कोचिंग से कोई भी असाइनमेंट वगैरह या कहीं से भी कुछ इंग्लिश का स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप उसको सॉल्व करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो लास्ट में हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि जो हमारे मेन कोर टॉपिक्स हैं चार, उन पर कौन कौन सी बुक्स हमने आपसे डिस्कस की है। मैथमेटिक्स के लिए हमने आर डी शर्मा डिस्कस की, रीजनिंग के लिए बी एस सिजवाली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल, और कंप्यूटर के लिए पी के सिन्हा। आई होप कि आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज रही होंगी वो कहीं ना कहीं तक सॉर्ट आउट हुई होंगी। अगर अभी भी आपको स्टिल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपका जल्द से जल्द कोई ना कोई आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।